फ्लेक्सी देख लो इसको, फ्लेक्सी जिना जिन बात मत ये ऐसी है। सदर मेरी शादी हुई है। हाँ आपकी शादी हुई है, क्या बना रहे हो सुधा दीदी बता तो दो। मैं एक बहुत ही अनोखी चीज बना रही हूँ। क्या सब मिलेगा ना खाने से? सबका आपकी भी पहली रसोई है। दिन अड़जा लग जाएगी फिर हो गया। भाभी से पूछते हैं भाभी क्या बना रही है आज। चलो भाभी के पास पहले पूजा होगी। अच्छा उनके सामने होगी। भाभी क्या बनाओगे आप? सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनेगा आज। और कोई आइडिया नहीं कैसे बनेगा? देखते हैं कैसे बनता है। बताना पड़ेगा थोड़ा तो इतना ठीक है। मम्मी आप क्यों डाल रहे हो? मम्मी तो चीटिंग है। चीटिंग तो नहीं है, बताएं किस किससे चलाना है। इसको संभाल ले भाई, इसको संभाल ले क्योंकि ये क्या कर रही है? चलाना होता है उसको। मिक्सर हलवा बनाया नहीं कभी? एक बार बनाया है। मम्मी चीटिंग कर रहे हो आप तो बहुत। क्या करें इसके चक्कर में, रोंगे तो कल के 12 बज जाएंगे। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि भाभी ने कैसा हलवा बनाया? इसको सेम आंच पे बिल्कुल लाइटली ब्राउन सा भूनना है, ज्यादा तेज आंच नहीं, और चुन्नी संभाल थोड़ा सा। सब तो बता रहे हो फिर बोल रहे हो कोशिश करो। नहीं बताया तो पता नहीं क्या मिलेगा खाने के लिए। जैकेट में होती है इसके लिए। आपने आ रहे हो और मम्मी चीटिंग करे जा रही है, देख लो। कोई हेल्प नहीं करा तो हेल्प तो करानी पड़ेगी। नहीं करा रहा, इसमें हेल्प नहीं कराते। आपको रसम नहीं पता क्या? आप हाँ मम्मी नहीं कराते। मैं बैठ जाऊँ अंदर? नहीं ऐसा होता तो नहीं है जरूरी। हेल्प नहीं कराते फिर तो आपके हाथ का ही टेस्ट आएगा, हमें कैसे पता चलेगा? हलवे की जगह पता नहीं आज क्या खाने को मिलेगा। कोई नहीं वो अच्छा तो कोई नहीं, हम खा लेंगे। हम खा लेंगे स्लो कर, इसको जल रहा है वो स्लो कर थोड़ा बस। देखो आप बता रहे हो ये कैसे हो गया है ब्राउन। वैसे तो भाभी को गाजर का हलवा बनाना चाहिए था। गाजर का हलवा तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं इस सीजन में मिलता खाने के लिए, इस सीजन में नहीं मिलता। अभी जरा मैं देख लूं ना इसकी स्पीड, फिर इसको डिशेस दिया करूंगी बनाने के लिए। अब इसकी स्पीड तो पता लगे मेरे कंपटीशन में कितनी सक्सेसफुल होती है। मम्मी तो कंपटीशन के लिए आपको तो नहीं, आपके साथ सीख लूंगी आपसे सब। वैसे तो अंकित बोलता ही है कि मम्मी से खाना बनाना सीख। वैसे चीनी कितनी डालेंगे बताओ? मीठा कितना मीठा खाना है? ये खेल है फ्लेक्सी के साथ। नॉर्मल मीठा बड़ी चीटिंग हो रही है। चीनी भी मम्मी ने डाली है। मैं लेट हो गई, किसी ने भी देखा। हाँ मम्मी व्लॉग बन रहा है और आप इतनी चीटिंग कर रहे हो। सब रिकॉर्ड हो गया है। पहली रसोई में तो करने दो आप कम से कम। इशिका दीदी 5 मिनट की तो आ जाओ यार। मुझे भी नहीं पसंद। बादाम पसंद किशमिश नहीं डलेगी।
मुझे तो आपकी चिमनी का डर लग रहा है। नाइफ मिनी चाहिए या बिग? ये इनको मैं इतनी बार बुला चुकी हूँ, आई नहीं। ये अपनी अलग रसोई कर रही है अंदर। मम्मी चीटिंग कर रही है थी। मम्मी चीटिंग कर रही है, मम्मी की गलती है ना। सब कमेंट कर दो मम्मी ने चीटिंग करी है। मम्मी बहुत ही साइड है। और ये देखो रसोई में भाई को भी रेडी होके आना होता है। तरीका है। सो रहा है वो तो गोदी में। और ये लालची मम्मी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि आप किचन में हो। मैं तो कह रहा हूँ बैठ जाती, तुमने कहा था बताना तो पड़ेगा। बताना पड़ेगा मतलब आप देते जाओ क्या चाहिए, ये बोला है। ये नहीं कि आप ही पूरा हलवा बनाओ। मैंने हलवा नहीं बनाया, देख ड्राई फ्रूट वही काट। हाँ चीनी तो आपने डाली है? मैंने नहीं डाली, आधी वो डाल चुकी हूँ। तो मैं आपकी रसोई में कौन कौन था, आपकी पहली रसोई में बताओ। चलो बताओ। कोई नहीं था, कोई नहीं था ना। मैं एक्सपर्ट थी। और मैंने इतना सारी बनाया, मैंने इतना सारा बनाया था, इतना तो बहुत सारे लोग होंगे ना। मम्मी चाहती नहीं मम्मी से अच्छा खाना कोई बनाए, इसलिए हर बार मम्मी बनाती है। हर जगह रसोई में ना मैं इसकी लगाने वाली हूँ वाट। इतनी वैरायटी दूंगी ना बनाने के लिए। लिस्ट तैयार रखेंगे हम, फिर देखते हैं। कोई नहीं, एक ब्लॉग दूसरी रसोई के नाम। पहली रसोई तो अलग ही है, बच्चा है, माफ कर दिया, कोई बात नहीं, चले गए। दूसरी में भी बच्ची होगी। दूसरी में थोड़ा सा इसको बताऊंगी। हां ये सब अपने मजे कर रहे हैं अंदर। ये नहीं कि किचन में आ जाएं। देखिए क्या होता है, मेरा थोड़ा अलग है ना टेंशन। यहाँ पे बन गया सैलेड। American Italian Nutella soup salad. Nahi nahi item ban rahi hai. Mushrooms aur ye sab. Mushrooms aur spices mein chili. Ab main hi nahi aa rahi hu vlog mein, mujhe apne aap ko aise dikhana pad raha hai. 120 rupaye kilo. 90 rupaye kilo. Beta tumne hi apna stand wo aage. Ha bhai mera jo tripod hai na uske 3 pair the, usme se ek pair toot gaya uska. Bol dete hai abhi apna badhiya chawal sabut chawal. Shaadi wale din mein hua tha shayad, uske baad dal ka hai theek. शादी के नेक्स्ट डे टूटा था। अरे तो उसको चावल ही बेकार है, ये चावल आता है। मेक स्मॉल प्लेट यू जल्दी से जल्दी फटाफट आ रही हूं। स्मॉल प्लेट प्लेट ये लो, स्मॉल प्लेट लो। वहां से यार उसको 80 के हिसाब से दिया फिर सब लो। 80 के हिसाब से जिनको लग रहा है इसमें भी कुछ है। कीवी प्लेट भी है तो क्या हो गया जेल भेजोगी? अरे जय श्री राम, बहू जी की जय हो। बहू जी की सासू माँ के अच्छी सेवा करना, आज्ञा मानना। उल्टा तो नहीं है? ससुर जी बहुत सज्जन है। उल्टा तो नहीं है? नहीं उल्टा नहीं, उल्टा नहीं। सासू माँ को उल्टा सेवा करनी पड़ जाएगी? नहीं नहीं उल्टा नहीं। देखिए आपको वहाँ से अपने माँ बाप के पास से आए हैं, तो आपकी एक तरह से बेटी भी हुई और बहू भी हुई। भाई मेरे बारे में तो ये बताएं, मैं अपने बारे में ये नहीं बताएंगी, मैं बताऊंगा उससे पूछो, पंडित जी बताएंगे क्योंकि मैं रह चुका हूँ आपके साथ। उसकी सासू और माँ दोनों कैसी हैं? हाँ ये बात सही है।
मम्मी हमें मेरी टर्न। उस एरिया में बहुत बड़ा बहुत महंगा होटल था, पता है आपको? दिखा दो हलवा बन गया है। ये बना दिया है हलवा, गार्निशिंग हो गई है, ड्राई फ्रूट्स डल रहे हैं। अरे चीटिंग के द्वारा हलवा बनाया गया आज, हर चीज में चीटिंग हुई है, हर चीज में। इस बार नेक्स्ट टाइम हम कुछ डिफिकल्ट चीज बनाएंगे, डिफिकल्ट में प्रॉपर से चाप वाप बनवाएंगे और क्या। अब पहले भोग लगेगा, अब आज के बाद से तुम भाभी से कुछ भी बनवा सकते। वही किचन में नहीं आ सकती। आप जो मन करे बोलो, भाभी बनाएंगी। सैलेड साग अच्छी बनाती है, दाल मखनी भी अच्छी बनाती है। क्या बात है, दाल मखनी तेरे को बहुत प्यारा है। रिम्मी की फेवरेट, आपके सासू माँ को बहुत प्यारा है। मखनी खाई थी तभी तो, मेरी फेवरेट है दाल मखनी, मेरी फेवरेट है दाल मखनी। तो बस इनको ही खिलाना, दाल मखनी खिलाना। पहली बार बनाई थी तो बहुत अच्छी बनी थी, फिर उसने बोला दोबारा बना के खिला दो, दोबारा इतनी जल्दी बनी। ऐसा ही होता है, हमेशा सब कुछ पहली बार ही अच्छा बनाते हैं। तो ये पहली बार हलवा अच्छा बना होगा ना। तो आपके यहाँ सिस्टम है क्या रंग लगाने के पैर में? कभी भी किचन में काम करो, कौन सा अरे रंगना जो होता है रंग आलता, आलता आप लोग बोलते हैं। मम्मी आपका हो गया तो मैं करूँ अब? हमारे में नहीं होता, नहीं लगाना। मेरी बाड़ी लगा दो, मेहंदी लगी हुई है ना पैरों में, मेहंदी लगी है वो भी लगाना चाहिए। मैं आपको बता दूँ बहुत शुभ का काम, नहीं लगा इनको, बहू को लगाना चाहिए। मुझे पता है कौन करता है दोस्तों, ये नहीं लगाएंगे क्या चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे यहाँ आया है धीरे धीरे सब। टाइम क्या हो रहा है? कुछ भी भाभी से रसोई साफ करवाई। अब मंगलम भगवान विष्णु गंदगी पसंद नहीं है? हाँ मम्मी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, गंदगी करेगी तो बस होगा, इसलिए मम्मी हमें किचन में नहीं घुसने देती गंदगी की वजह से। हम गंदगी कर सकते, पूजा होगी अभी से। दीदी आ गए हैं किचन में, ये लड़की कभी मेरे लिए कुछ नहीं बनाएगी, मगर देखो आज क्या 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 येलो रेड मशरूम ब्रोकली कढ़ाई का है ये, कढ़ाई मांजो बन गया आलू। मुझे क्या चाहिए था, एक और कढ़ाई नारियल। अब ये नहीं मांजेगी। अंकित भाई बताएंगे क्या बनाया, नीचे 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 इनके क्लोज में ये भी तो है। अब तो भाभी सब कुछ कर सकती है, अंकित भाई लेकर आएंगे, मैं कढ़ाई लेकर आऊंगी। किसने बनाया साज यार, प्लीज कढ़ाई ले आओ, जल्दी लेकर आओ। नहीं 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 मत दो मत दो, पूजा होगी ना अभी, वैसे नहीं दोनों लेंगे तो अभी दोनों लाओ ना। अब यहाँ फिर से पूजा हो रही है, मैं बीच में हूँ, हमारे यहाँ क्या करते हैं, हमारे जो आपका
जो लड़का सिर्फ मोर नहीं लगाता जाओ। तो आप तो मेरे यहाँ उपवा करते हैं उसको रखे रहते हैं मंदिर में जाते हैं कोबर में साल भर रखा रहेगा रखी हुई है ना। हाँ तो उसका मैं विद्या रखी हुई कोहबर जो बना रहता है ये भी बना रहता है इसका अपने से हट गया तो ठीक है अरे जैसे दीपावली कोई त्यौहार है उसमें अपना वो का अभी सर्जित करा के पूजन कर देंगे देवी देवता अपन हम पूजा करके देवी देवता स्थान वही स्थान मतलब ये इसलिए तो स्थान उनके नाम से दे रहा हूँ बेटा यही नीचे रखते पीला कपड़ा है क्या नहीं है जाने दो मैंने सुनिए हम इस पे लगा देता हूँ कहाँ से है अगर ना हो तब कलाउ बांध देंगे ढूंढना पड़ेगा जाने दो इसी हम चौकी से इसी मान हो गया मिल गया मिल गया नहीं है तो राजे तो बाद में ना इसी पे रख देना अगर मिल जाएगा ना पीला कपड़ा बहन जी हम एक सेकंड का एक घंटा हो जल्दी आ जा नहाएंगे क्या भी है इसे करवाओ तब से पहले आपसे आप घर के पास मलकिन है पहले आपसे आप घर के यहाँ का मलकिन है पहले आपसे कराओ मलकिन से कराएंगे तब इसे इनका हाथ लगा देंगे बस हलवा निकालने के लिए भोग भोग ये लो कटोरी चम्मच तो है साफ है ना कटोरी हाँ जी भोग लगाएंगे ना निकाल के या इसी से भोग लगा के फिर उसे मिला देंगे कर सकते पूजा करती है हाँ जागरण में आपको बता दो बहुत पूजा करती है नौ दिन तक शक्ति बहुत है शर्मा जी भैया के बाद छोड़ दो पांच बजे उठ के सुंदर काम पंडित को था दुर्गा जी कोई चुप भी नहीं होता है अभी क्या कर रहा है इसको बस गोदी में रखो ओम मंगलम भगवान क्या कर रहा है क्या चाहिए बताओ दिखा दो सबको लक्ष्मी इतना क्यूट है लक्ष्मी सुनो ठीक है अब इनको बहन जी को भी बांध दे थोड़ा से चंडी और उसके बाद एक फोटो आशीर्वाद दे आशीर्वाद ये रे चंडी आशीर्वाद एक फोटो खींच दो याद बना रहेगा यार इंस्टाग्राम पे जाएगी बेटे जी के हां लोग रहे हैं वो तगड़े आप सुनो मेरे आज हंसी मजाक अपने जगह पे हैं लेकिन हम आपको सच्चा बता रहे हैं ये बहुत ही ब्राह्मण अच्छे घर के हैं और बहुत ही क्या बताऊं हर चीज के जानते हैं विधि विधान सब कुछ जानते हैं बोलते कम है लेकिन जानते ज्यादा है हम बोलते ठीक है और ये माँ है इनको आप पैर छू सकती है क्योंकि माता पिता ससुर सास की सेवा करना ननंद को कैसे मानना बहन नहीं नहीं बड़ी है तो छूना छोटी है तो नहीं छूना सच्चाई है बड़ी लेकिन मैं हंसी मजाक नहीं सीरियस बात कर रहा हूँ हमारे यहाँ भी विधि विधान बड़ी है इनसे किससे नहीं इनसे बड़ी है अच्छा तो छू ले कोई दिक्कत नहीं हाँ दीदी अपनी यूपी क्या नहीं है मैं तो बहुत कैसा बना पंडित जी अति सुंदर अति सुंदर अति सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बोला जाता है फिर जब संस्कृत बात अति सुंदर के बाद बहुत बहुत सुंदर आपका नाम हमको नहीं बताइए आप गौरी आस्था
अरे वाह आस्था, तो जब आस्था होती है ना इंसान के अंदर, तो अरे बाप रे गजब कर दे। गौरी शंकर भगवान माँ पार्वती, हे गौरी गणेश माता। अरे वाह शिवरात्रि के दिन हमारे साक्षात आपको भोलेनाथ मिले। अरे हंसने वाली बात नहीं, हंस सकते पार्वती। अब भोलेनाथ आप कह रहे थे ना हंसाना है, तो हंसा दिया आपको। और हम क्या आएंगे? आप तो एकदम सासु माँ साक्षात धन्य देवी जी महाराज की जय। देवी बैठ सिखाइए आप भी। माई बोल रही थी, मम्मी बोले, माता जी बोले, अम्मा बोले, कुछ भी बोले। अम्मा अम्मा का खराब है क्या? हम लोग आप यकीन नहीं करेंगे अपने गांव में। अच्छा हाँ यार एक काम कर देता हूँ, चलो खा के बताओ। गुप्त दान चावल वो बढ़िया, मेरी बहू का पहला बहुत बढ़िया। अति सुंदर भोले भाले है, साक्षात भोले। वाह अरे यार इनका तो पूरा फोटो खींच रही हो, वो मुंह बना खा रही है, उनका खींच रही हो बड़ी हंसी वाली बात। अच्छा पूरा स्टाइल दिखा रही है आज इनको। ठीक है भाई जी की जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख आगच्छेत्, पुनः शांति शांति शांति। सबको हंसाते रहो और मस्त रहो। ठीक है ठीक है, और वहाँ जाओ मैं तो जल्दी मस्त रहेंगे। हाँ हाँ अरे हाँ, अब आपको फिर फोन करेंगे, वीडियो कॉलिंग पे दर्शन भी कराएंगे। बस बस भैया हमारे भाव आपको वीडियो कॉलिंग पक्का दर्शन करा देना प्रयास। अब आपका ये जो मीठा है ना, मेरे घर वाले सब खाएंगे, याद करेंगे क्योंकि खुश हो जाएंगे। मैं ये चाहता था लेके जाओ। ठीक है अच्छा आप प्रयास जी हो गया, इसीलिए तो हम कह रहा था कि मिठाई दे दे दो। अच्छा मुझे नहीं पता था कि आप घर जा रहे हैं। आज हम घर जा रहे हैं, अब हम आएंगे आपको सही बता 15-20 दिन के बाद। चलो सही है, जल्दी नहीं आएंगे एक पर दो का दोनों हो जाएगा। ठीक बात बिल्कुल सही है, उचित है। फिर आपको भी प्रसाद और इससे तो हम हाल समाचार पूछ मैं तो नहीं कर सकता, जो खाएगा उसकी सोचना कि उसका छोक भूल जाओ आप, हम भी भूल गए आप ही, लेकिन यह है कि हाल समाचार पूछ पा। सबका टेस्ट अलग होता है, यहाँ तो किसी को पसंद नहीं आ रहा। शर्मा जी को भी मेरा जय श्री राम बोलना, सबको भाव रानी की जय हो, जय श्री राम। उल्टी जैसा लग रहा है। जय श्री राम भाई को, जय श्री राम सबको, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है मम्मी एकदम इतना गंदा लग रहा है, एकदम छी लग रहा है सब लोगों को। मैं कह रहा हूँ बहुत गंदा, इतना गंदा, सूखा कीड़ा खा ले वो बढ़िया। ये बनाया उन्होंने मम्मी, हटो भाई तो कितनी बुरी है रिम्मी, निकल जाए यहाँ से। क्यों सैलेड ही है वो, ठीक है देख रहे हैं ना हम भी। क्या ये इट इज इटालियन मोजरेला हस्बैंड ड्रिंक और ये स्प्रिंगल सैलेड। मैं ढंग से खाओ, इसे शक्ल बना के नहीं, पहले टेस्ट करो अच्छे से क्या कमी है इसमें। हल्का सा नमक डाल, पेपर डाल, हल्का सा ऑलिव ऑयल डाल, ऑलिव ऑयल नहीं, ऑयल नहीं डालना, चलो ऑयल में डालना। ओके ब्लैक पेपर डाल, नहीं ब्लैक पेपर और मत डालियो बिल्कुल भी। जिंजर गार्लिक डाल, क्या बना रहा है? थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डालती है इसमें बना के। हाँ जिंजर का, मैंने बोला नहीं फीका होगा बिल्कुल। अरे मैं कह रहा हूँ इससे एक अलग फ्लेवर आता, इतना ये बन रहा है पतीले में, हमारे सैलेड बाकी ऑल सेट है। चलो बाकी ऑल सेट है, चलो मम्मी मैंने बस नमक डाल दिया। रसम कौन सी की? वो वाली, ये उतारने वाली। क्या करा है मम्मी ने? देखो जो आपको वो गिफ्ट मिला है। ओहो हमारा गिफ्ट पेंडिंग है, दस का ही आ गया बेचारे को। हमारा पेंडिंग है, आपको बाद में मिलेगा पहले हमारा। हाँ हमका मिला है वो, सिर्फ भाभी को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। कौन सी में है? मेरे को साइज का आईडिया नहीं था। अंगूठे में, साइज ही कराना पड़ेगा। तुम सारी चीजों की साइज का ही पंगा है। इसमें थंब में डाल दे, अंगूठे में, आप मुझसे में डाल दे, सारी करवानी पड़ेगी। कोई नहीं आएगी जब सारी करवा दी, बस ऐसे पहन के रखना, गिर ना जाए। लेकिन इसमें भी मैंने कल वो बांधा है, कोई बात नहीं, कलावा बांध ले सब पे, अगर ज्यादा लूज लग रही है तो फिलहाल बांध ले, बाद में सारी आएगी ना तो एक साइज से सारी करवा लूंगा।
और अब दो मिनट आ जाओ भाई नंदो तुम्हारा रोल आ इसमें पैरों को ये बढ़वा दो जरा मैं दूसरे देती हूँ पहना इसे ना दिक्कत हो जाएगी थोड़ा सा लूज करके फिर निकालो उसको लग भी गई तो अब क्या कर सकते लगने की बात तो उसकी है सर ये में भी किस में आनी है इसको थम के बराबर वाली उंगली में बना दो इसमें हाँ तो सारी बना दो पहनने में निकल जाओ हाँ सारी पहन ले पहनेगी सारे तो ये पहन के ही रखना है ना ये फिर उतार सकते हैं रहन दे एक ठीक है एक ही की नहीं अगर पहन जितने में कंफर्ट रहे उतना पहन एक कहनो जितने में पहन में सकती हूं बट जितने में बेटा लेकिन जूतियां वगैरह कुछ पहनेगी तो तुझे दिक्कत है मुझे हाँ, प्रॉब्लम नहीं है पहन ले मैं तो सारे बना दूंगी इधर जा मेरा तो गला देख कैसे बाजा बज रहा है गले का सारे व्लॉग में तू ही आएगा क्या इसको अंदर करके अंकित बंद कर दो थोड़ा सा 2 मिनट आ देखो देखो जिन का देखो देख रहे हो जिन कैसे परेशान करता है आज मेरा थम कर रहे हैं इसी कर दी मैं डाल रही हूं दोनों में टाइट थोड़ा कर दे ये तेरे को पसंद होगा तो इसमें छन छन घुंघरू डलवा देती हूँ मुझसे ज्यादा उसको पसंद है थम थम खेलने का कोई टाइम नहीं हमारे पास अब जा रहे हैं अब मेरे से बात नहीं ए भगवान तो बंद ही नहीं हो रही बार-बार इधर सुसु पता है ना पीछे में देखते कोई बात नहीं बात कर रही ये मैं हो गया बंद देख ये लो भाई स्वागतम कर दिया इन्होंने हो गया निकलाओ जी हो गया भाई दाजी निकलाओ निकलाओ दोनों बारे बना दिया हां मम्मी हां नेक जी नेक दिखाओ नेक जी नेक फटाफट ये देखो सही से बांध दिए सेंटर में बांधो पीछे नहीं बांधते इसको सेंटर में करो सुंदर लग रही है वाली पहले सुंदर है नेक जी नेक ऐसे छन छन करके दिखाओ अरे तू जाने ले क्या मैं तो जा रही हूं नेक लाओ फटाफट बेटा इसको सेंटर में करके फिर क्लिप कर इसको इस वाली को भी पीछे नहीं होती है सेंटर में होती है मैं जितनी हो पाई मैंने तो उसी कर लग ना जाए ना अरे बाबू ये सेंटर नहीं है देख यहाँ यहाँ पे आती है ये यहाँ बच्ची यहाँ नहीं आती पीछे फिंगर में कभी नहीं आता पीछे सेंटर में आता टाइट नहीं हो रही हो जाएगा अरे जाएगी जब तक उठेगी नहीं ऐसे उठ नहीं सकते अभी आप बैठे हो यहाँ पे नेक की बात होती है जिन और मेरा एक नेक फ्लेक्सी और रिमी का एक नेक है ना जिन भी तो लेगा तो यहाँ आ जाओ ना आप ये देख सबको दिखा रही हूँ मैं टर्न बाय टर्न वो देखो एक छोटा वहाँ छोटा बड़ा बड़ी देख रहे हो सब वे देखो क्या चुप कर रहे हो यार भाभी चली गई मम्मी उठ के जाओ फोन लेके जाओ पता लगे क्या चल रहा है नहीं हम नहीं उठेंगे इशिका दीदी हाँ जाओ इधर ला ये गोल्ड वाली उसमें डाल दूँ ये डिस्कस करे बिना दोनों कोई डिसीजन हाँ। नहीं लेते इन एक बंदा डिसीजन ले नहीं सकता यहाँ पे है। ना ये वाली देखो पिनी में डाल दो दोनों की डिस्कशन देखो मेरा सिर्फ हाथ दिख रहा है यहाँ पर ला दो भाई दे दो भाई मैंने बोला वो एक नंबर की कंजूस है कभी लाते हैं हमेशा
भाई एक ऊंची आ रही है एक नीची आ रही है, दोनों या तो बैठ जाओ, डिम्मी को जानबूझ के या तो दोनों करती रहे, या तो दोनों खड़े हो जाओ। या मम्मी नहीं देखो यार, मम्मी क्यों देखेगी यार, तुम जानो वो जाने। क्या कर रहे हो भाभी, क्या कर रहे हो भाभी, मैं ये वाला खोलूंगी भैया, तुम कुछ सिखा दो भाभी। तोड़ना नहीं है, ये तो खोल के निकाल दे, चूड़ी की तरह निकाल दे इसको, चूड़ी की तरह ही निकाल रही हूं ऐसे नहीं। मम्मी क्या करेगी इसमें, सारी जिंदगी मम्मी से कुछ ही काम करेगा। गाइस पहली रसोई हो चुकी है और एक दो जो रस्में बची थी, मतलब जो अभी होती है वो हो चुकी है। तो हलवा तो टेस्टी बनाया था भाभी ने, और अब फाइनली आई गेस सारी रस्में मम्मी हो गई हैं, ऑलमोस्ट सारी रस्में हो गई हैं। तो अब भाभी अपने घर जाएंगी, उसके बाद देखते हैं अगर कुछ बचा होगा तो वो करेंगे। एंड फाइनली अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। और सबसे बड़ी बात भाई, मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी, हमने लास्ट एक लिया अंकित भैया के फ़ोन में जो इसमें रस्म चल रही थी, तो लास्ट एक अंकित भैया के फ़ोन में लिया, मेरे स्टोरेज फुल हो गई क्योंकि इतने सारे व्लॉग्स हैं इस फ़ोन में, शादी के ये वो सब कुछ इसी में है, तो स्टोरेज फुल हो गई और एक एक घंटे के व्लॉग्स बने हुए हैं वो। तो मैंने अभी कुछ 3-4 ऐप्स उड़ाए हैं इसमें, फिर जाके मैं ये टेक ले रही हूँ। तो जल्दी से मैं व्लॉग एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, लव यू ऑल।